हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पहली बार मीडिया में बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक को आप कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के वोटरों की जीत हुई है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज हरियाणा में विकास की, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि नव भारत के निर्माण में हरियाणा में प्रगति की जरूरत को देखते हुए कार्यकर्ताओं की निष्ठा की, स्वयं सेवकों के समर्पण की और वोटर की जीत हुई है। इसके लिए टीम हरियाणा को मेरी ओर से बधाई। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी गाजियाबाद में एक दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और हरियाणा में बीजेपी की जीत पर टीम हरियाणा को बधाई दी। साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बार बार ये आरोप भारत पर लगाया कि धारा 370 हटने के बाद वहां लोकतंत्र पनप नहीं पाएगा, आज जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक चुनावों का होना और नतीजों का आना ही इस बात का संदेश है कि 370 हटने के बाद ही सही मायने में संविधान का सम्मान हुआ है और लोकतंत्र की जीत हुई है। जिन लोगों ने ये बार बार आरोप भारत पर लगाया कि धारा 370 के हटने के बाद लोकतंत्र पनप नहीं पाएगा, आज जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक चुनावों का होना और नतीजों का आना इस बात का संदेश है कि धारा 370 के हटने के बाद ही सही मायने में संविधान का सम्मान हुआ है और लोकतंत्र की जीत हुई है। तो बीजेपी की हरियाणा में हैट्रिक के बाद पहली बार स्मृति ईरानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। गाजियाबाद से यूपी तक के लिए मैं गौर की रिपोर्ट।